अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग मज़ीद ऑक्सीएसिड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नाइट्रस एसिड को जो है वो डिस्कस किया था। आज हम लोग नाइट्रिक एसिड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग लेबॉरेटरी लेवल पर जो है वो नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो ये है कि आप लोग एक ऐसा सॉल्ट लें जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हो, जिस तरह पोटाशियम नाइट्रेट लिया है उसको आप लोग ने रिएक्शन किसके साथ करवा दिया, आपने उसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो करवा दिया, तो उसके रिजल्ट में पोटाशियम बाइसल्फेट आपके पास बनता है और साथ आपके पास क्या है नाइट्रिक एसिड जो है वो आपके पास बन जाता है, राइट। उसके बाद जो दूसरा मेथड है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है आपके पास बिर्कलैंड आइट प्रोसेस है, और अक्सर पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय बिर्कलैंड आइट प्रोसेस एंड फॉर विच पर्पज़ वी कैन यूज़ इट, ठीक है। तो इसमें जब आप लोगों ने किस चीज़ को प्रिपेयर करना होता है, नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करना होता है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला उसमें जो स्टेप है वो क्या है कि आप लोगों ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जो है वो क्या करवाना है, कंबाइन करवाना है, ताकि उसके रिजल्ट में आपके पास क्या बने, नाइट्रिक ऑक्साइड है इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। इसमें यानी हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते हैं, और क्योंकि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होती है, इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को कैरी आउट किसके अंदर करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर, जिसका टेम्परेचर कितना होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास होता है, ताकि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर जाए ऑक्सीजन के साथ कितने टेम्परेचर पर, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, और उसके रिजल्ट में जो है क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बनता है। हम लोग पहले टेम्परेचर को इसलिए हाई रखते हैं क्योंकि हायर टेम्परेचर पे हम लोग नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के लिए थोड़ी सी जो है वो क्या करता है, रिएक्टिविटी जो है वो क्या करता है, शो जो है वो करता है। उसके बाद हम लोग उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल डाउन जो है वो आपके पास करते हैं। नीचे अगर आप लोग डायग्राम पर गौर करें, ये वो असम्बली है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस पर्पज़ के लिए, मैनुफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किससे करें, एयर से, ठीक है। क्यों हम लोग इसको एयर से, एयर में ही नाइट्रोजन मौजूद है और एयर में ही आपके पास क्या है, ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है, तो हम लोग नेचुरल सोर्स को जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फर्नेस है, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क है, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर कितना होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके आपके पास क्या बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। ये जो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, टेम्परेचर कितना है इलेक्ट्रिक आर्क का, 3000। उसके बाद ये आपके पास क्या कहलाता है, कूलर कहलाता है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो आपके पास मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास बन जाता है तो उससे नेक्स्ट चैम्बर आपके पास कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, और इस ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, ऐसा चैम्बर जिसमें फर्दर ऑक्सीडेशन आपके पास हो रही है, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या बना देता है, NO2 जो है वो आपके पास जो है वो बना देता है, और वो फिर NO2 आगे किसकी तरफ जाता है, एब्जॉर्प्शन टॉवर की तरफ जाता है, जहाँ पे आपके पास क्या होता है, वाटर होता है। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिकली दी एसिडिक ऑक्साइड, सो दे व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर व्हाट दे एक्चुअली फॉर्म द एसिड्स आपके पास है। तो अगर आप इस पूरी की पूरी असेंबली के ऊपर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि चार चैम्बर थे, फर्स्ट वाज इलेक्ट्रिक फर्नेस, सेकंड वाज कूलर, थर्ड वाज ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, एंड द फोर्थ वन इज एब्जॉर्प्शन टॉवर आपके पास है। तो इसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन जो है वो उन्होंने आपको बता दी है, वही चीज़ें कि जो चीज़ें हमने अभी डायग्राम में डिस्कस की हैं वही चीज़ें आपको नज़र आ गई, कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक आर्क में जिसका टेम्परेचर 3000 था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही थी, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर वो क्या कहते हैं, फिर हमने इसको कूल किया था 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, फिर जो आपका ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है उसमें टेम्परेचर कितना होता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है,
और वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलके आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। या आप नीचे क्वेश्चन देख रहे हैं, 2NO यानी दो नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ एट द टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो बन रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन टावर था उसके अंदर हम लोगों ने इसका रिएक्शन करवाया था किसके साथ, हम लोगों ने वाटर के साथ। तो क्या होगा कि जब आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो उसके रिजल्ट में आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड प्लस आपके पास क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड, दोनों ही आपके पास जो है वो बनते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसको हम लोग बिल्ट लैंड आइट प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये क्या है जो आपके पास नाइट्रस एसिड है वो एक्ट कर रहा होता है एज ए साइड प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो नाइट्रस एसिड होता है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको फर्दर जो है वो क्या करवाते हैं, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं जिसके रिजल्ट में आपके पास आपका जो नाइट्रस एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड के अंदर, ठीक है, साथ आपके पास NO बनता है और साथ वाटर है। तो ये गैस है, ये इसको हम सिस्टम से वैसे निकाल लेते हैं, और ये लिक्विड है तो पानी को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास है कि वे नाइट्रिक एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली इट्स अ कलरलेस एज वेल एज अ वोलाटाइल लिक्विड है। फ्यूम्स इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये आपके पास एसिड है। आप इसकी बॉटल खोलें तो बड़ी पंजन सी इसकी एक स्मेल होती है। इसके साथ साथ इसकी जो ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 1.53। अगर आप इसको बॉयल, क्योंकि लिक्विड है और अगर आप इसको बॉयल करने की कोशिश करेंगे तो ये कितना होता है, 86 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करना जो है वो स्टार्ट जो है वो आपके पास कर देता है। तो ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज थी, यानी कलरलेस है, फ्यूम स्ट्रॉन्ग है, पेंडेंट इसकी स्मेल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.53 या 1.538, दोनों सेम बात जो है वो लिखी हुई है, और 86 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे बॉयल होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि नाइट्रिक एसिड की कौन कौन सी रिएक्शंस आपके पास होते हैं। तो पहला है आपके पास डिकम्पोजिशन। तो वो ये कहते हैं कि जो आपके पास अगर नाइट्रिक एसिड है तो अगर आप उसको इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या लाइट की प्रेजेंस में जो नाइट्रिक एसिड आपके पास होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये इसको डिकम्पोज होकर दोबारा से पानी के अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट जो है वो आपके पास हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास होता है, और वो ये कहते हैं कि इट एग्जिबिट्स ऑल द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स इन ऑल रिएक्शंस। जबकि अगर मतलब नॉर्मली ये बहुत सारी चीज़ों के साथ हम इसका रिएक्शन करवा सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर चाहें तो हम इसका किसके साथ रिएक्शन करवाएं, ऑक्साइड्स के साथ करवा लें, या हम इसका अल्कलीज के साथ करवा लें, या हाइड्रोक्साइड के साथ करवा लें, या हम इसका कार्बोनेट्स के साथ जो है वो रिएक्शन करवा लें, इसके रिजल्ट में आपके पास क्या होंगे, सॉल्ट्स बनेंगे। यानी जब आपका एसिड ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर जाए, हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करे या कार्बोनेट्स के साथ करे, तो क्या चीज़ आपके पास बनता है, सॉल्ट्स जो है वो बनते हैं। और ये एक एसिडिक प्रॉपर्टीज है क्योंकि एसिड्स हमेशा इसी तरह बिहेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, और साथ क्या बनेगा, पानी जो है वो आपके पास बनेगा, ठीक है। इसी तरह नीचे आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है, HNO3 आपको पता है क्या है, एसिड है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या है, बेस है। तो रिएक्ट करके आपके पास दो चीज़ें बनी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना है, एक आपके पास सॉल्ट बनेगा, दूसरा आपके पास क्या होगा, वाटर बनेगा। तो NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बनेगा, साथ आपके पास क्या है, वाटर बनेगा। और अगर आप इसका कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसके रिजल्ट में तीन चीज़ें बनेगी, क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, साथ आपके पास सॉल्ट बनेगा, और इसके साथ आपके पास क्या है, वाटर जो है वो आपके पास जो है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है
टू एच एन ओ थ्री प्लस एन ए टू सी ओ थ्री है। तो मैंने आपको कहा कि इस यहाँ का सोडियम यहाँ के नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, एन एन ओ थ्री, साथ क्या बन गया पानी, और साथ आपके पास क्या कार्बन डाई ऑक्साइड। तो आपने पढ़ा कि ये डिकम्पोज भी हो जाते हैं और ये ऑक्साइड्स के साथ, कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है। थर्ड रिएक्शन ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट करता है। मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज़ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज करेगी, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस जो है वो आपके पास करेगा। तो वो ये कहते हैं, आप देखें इसमें जो है वो आपके पास क्या हुई है, अगर हम इस केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो क्या है, प्लस फाइव आपके पास है। वो ये कहते हैं कि आपका, क्योंकि नाइट्रिक एसिड आपके पास क्या है, बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, तो अगर आप इस नाइट्रोजन में चेक करें, क्या चीज़ आप जो है वो चेक करें, आप इसमें चेक करें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो प्लस फाइव से क्या हो रही है आपके पास, यहाँ पे प्लस फोर हो रही है, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो आपके पास क्या हुई, इसकी रिडक्शन हो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस जो है वो करता है, तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी आपके पास क्या होती है, रिडक्शन जो है वो आपके पास होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो नॉन मेटल्स यानी कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, इनके साथ जो है वो रिएक्ट कर सकता है। आप देख सकते हैं कि जब ये कार्बन, चाहे सल्फर है चाहे फॉस्फोरस है, दीज आर ऑल द सॉलिड्स। ठीक है, अब वो जब उनका आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ आपके पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ आपके पास क्या है, वाटर बनेगा। सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, साथ आपके पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ क्या है, पानी जो है वो बनेगा। अगर फॉस्फोरस के साथ नाइट्रिक का करवाएंगे तो वो फॉस्फोरस एसिड जो है वो आपके पास जो है वो बनता है। ठीक है, इसी तरह अगर आयोडीन के साथ करवाएंगे तो आप देख सकते हैं सल्फर, फॉस्फोरस या आपके पास क्या है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिव जो है वो एसिड्स बनाता है। सल्फर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस के साथ मिलके फोरिक एसिड और आयोडीन के साथ मिलके आयोडिक एसिड आपके पास जो है वो बनता है। बाकी आप देख सकते हैं चारों के चारों रिएक्शंस के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और चारों के चारों रिएक्शन में जो दूसरी प्रोडक्ट बन रही है वो आपके पास क्या है, पानी जो है वो आपके पास बन रहा है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह अगर ये आपने ये पढ़ा ना कि ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटलॉइड्स के साथ भी जो है वो रिएक्ट जो है वो आपके पास करता है, जिस तरह आर्सेनिक है, जिस तरह आपके पास एंटीमनी आपके पास है, और इनके रिजल्ट में भी सेम वही चीज़ आपके पास जो है वो बन रही है। क्या चीज़ आपके पास बन रही है, आर्सेनिक के साथ अगर मिलेगा तो आर्सेनिक कॉक एसिड जो है वो आपके पास जो है वो बनेगा। ठीक है, मतलब आर्सेनिक पहले मिलके ऑक्साइड बनाएगा, वो ऑक्साइड जो है वो क्या होगा, तो वो यही कह रहे हैं कि द मेटलॉइड्स लाइक आर्सेनिक एंड एंटीमनी कैन बी ऑक्सीडाइज टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स आपके पास है व्हेन दे रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपके पास है। तो आप देख सकते हैं यानी आर्सेनिक ऑक्साइड और बनेगा साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर, वही चीज़ आपके पास जो है वो बनेगी। जबकि अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ, आप इसका एंटीमनी के साथ रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक एसिड का, तो एंटीमोनिक एसिड H3SbO4 आपके पास बनेगा, साथ वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपके पास बनेगा। तो आपने इसकी डिकम्पोजिशन पढ़ी, आपने इसका रिएक्शन पढ़ा किसके साथ, ऑक्साइड्स के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ और कार्बोनेट्स के साथ। फिर आपने इसका रिएक्शन जो है वो पढ़ा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आपने पढ़ा कि ये नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करती है। फिर आपने पढ़ा कि ये मेटलॉइड्स के साथ भी रिएक्ट करती है। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि क्या अगर आपने नाइट्रिक एसिड लिया, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके पास क्या है, मेटल्स हैं, गोल्ड है, प्लैटिनम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, देर आर सो मेनी अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लेंथिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारी मेटल्स आपके पास हैं, तो उनके साथ जब हमने रिएक्शन इनका करवाया तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आपके पास ऑब्टेन हुए, वो हम लोग जो है वो स्टडी कर लेते हैं। क्या आपको पता चला, गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम एंड टाइटेनियम डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। कौन कौन सी मेटल्स, गोल्ड,
प्लाटिनम, इरिडियम और टाइटेनियम, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसी थी जिसमें आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम है, ये सारी 3D मेटल्स आपके पास हैं। एल्युमिनियम जो है वो ग्रुप 3 से बिलोंग करती हैं, तो वो ये कहती हैं कि दे आर रेंडर्ड पैसिव बाय एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स ओवर देम। यानी कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो इसके साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, कुछ ऐसी हैं कि थोड़ा सा रिएक्शन शो करके उनके ऊपर क्या बन जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो दे एक्ट पैसिवली, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं कि वो नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट जो है वो आपके पास हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये कहती है जिसमें टंगस्टन है और क्या है, यूरेनियम जो है वो आपके पास हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, या आपके पास क्या है, मैगनीज आपके पास है। वो ये कहती हैं कि ये गैसेस लिब्रेट करती हैं किसको, हाइड्रोजन को, जब वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। तो नीचे आप इक्वेशन देखें, ऊपर मैग्नीशियम है, नीचे क्या है, मैगनीज है। दोनों मेटल्स का आपने रिएक्शन करवाया किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट बना, साथ आपके पास क्या है, H2 जो है वो गैस लिब्रेट आपके पास होती है। इसी तरह अगर आप मैगनीज देखें तो मैगनीज भी जो है वो आपके पास क्या है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैगनीज नाइट्रेट बनाएगी, साथ आपके पास क्या है, H2 गैस की क्या हो जाती है, लिब्रेशन जो है वो आपके पास हो जाती है, ठीक है। इसी तरह कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिसमें आपके पास आ जाता है कॉपर और वो कहते हैं लेड है, तो उसके रिजल्ट में वो कहते हैं कि दे गिव एक्चुअली नाइट्रिक ऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद कंसनट्रेटेड एसिड आपके पास जो है वो आ जाता है। तो हम लोग उसको देख लेते हैं, आपको कॉपर नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे भी कॉपर है, ऊपर भी कॉपर है। ऊपर वाले कॉपर का आपने रिएक्शन करवाया किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, और नीचे जो आपके पास कॉपर मेटल है आपने उसका रिएक्शन करवाया कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। दोनों के रिजल्ट में एक तो आपके पास नाइट्रेट्स बनेंगे, दूसरा आपके पास फ़र्क कहाँ पे आया, पानी भी बना और नाइट्रेट्स भी बने, फ़र्क कहाँ पे आया, फ़र्क आया आपके पास अगर कॉपर जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड, और अगर कंसनट्रेटेड के साथ करता है तो जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके पास बनता है। इसी तरह जो मरकरी है वो ये कहते हैं कि वो मर्क्यूरियस नाइट्रेट देगा और साथ आपके पास क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो देगा। और इसमें भी वही चीज़ है कि ये मरकरी है, अगर पहले आपने इसका किसके साथ रिएक्शन करवाया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मर्क्यूरियस नाइट्रेट बना और साथ आपके पास क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड बना, साथ आपके पास क्या है, वाटर। और अगर आपने उसका कंसनट्रेटेड यानी कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेने से भी आपके पास बनने वाली प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, डिफरेंट जो है वो आपके पास होने के चांसेस जो है वो आपके पास जो है वो होती हैं, ठीक है। इसी तरह वो ये कहते हैं कि जो सिल्वर होता है वो रिएक्ट वो भी कर जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ और आपके पास सिल्वर नाइट्रेट बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। आप इक्वेशन देख सकते हैं, सिल्वर है इधर, नाइट्रिक एसिड है, सिल्वर नाइट्रेट बना, पानी बना और NO जो है वो आपके पास जो है वो बन रहा है। तो आपको पता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी मेटल्स हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, डिफरेंट देखिए बहुत सारे लोग डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनका काम क्या था, उन्होंने नाइट्रिक एसिड लिया और डिफरेंट मेटल्स ली, यानी कम से कम जो है वो आप समझे कि 20-25 मेटल्स ली और उन्होंने उसका साथ रिएक्शन करवा के ये फाइंड आउट किया कि कौन सी मेटल कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बना दिया। फिर उन्होंने ये किया कि कभी उन्होंने डाइल्यूट, और ये भी देखा कि क्या अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड लें या हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड लें तो क्या एसिड की डाइल्यूशन और कंसनट्रेशन भी हमारी प्रोडक्ट को जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करती हैं या आपके पास क्या करती हैं, नहीं करती। इसी तरह आप देखेंगे वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो आप लोग इस्तेमाल करें तो वो आपके पास क्या बनता है, वो अमोनियम नाइट्रेट आपके पास जो है वो बनाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग जो है वो देख सकते हैं। इस तरह उन्होंने जिंक के साथ भी जो है वो बताया है, बनाया है कि जिंक मेटल को लेके आपने जिंक मेटल ली, साथ नाइट्रिक एसिड है, और मैं उन्होंने तीन डिफरेंट कंसनट्रेशन दी, वेरी डाइल्यूट,
डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड आपके पास है, तो आप देख सकते हैं कि जब आपने वेरी डाइल्यूट लिया तो जिंक नाइट्रेट सब में बना, तीनों केसेस में, चाहे आप लोग वेरी डाइल्यूट लें या कंसेंट्रेटेड लें, जिंक नाइट्रेट जो है वो बनता है। हाँ, बाकी प्रोडक्ट्स में जो है वो क्या है, पानी भी सबके अंदर बनता है। फ़र्क कहाँ पे आता है, अगर वेरी डाइल्यूट एसिड होगा तो आपके पास अमोनियम नाइट्रेट बनता है, अगर आपके पास सिंपल लेस डाइल्यूटेड फॉर्म में आपके पास हो तो आपके पास ये NO2 है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने गलती से N2O लिखा है, N2O नहीं है, NO2 है, ठीक है। और इसी तरह वो ये कहते हैं कि आपके पास जो जिंक है वो नाइट्रिक एसिड के साथ मिलके जो है वो आपके पास क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने देख ली। इसी तरह वो ये कहते हैं कि क्या चीज़ आपके पास कहते हैं कि दे कैन एक्ट एज द बहुत सारे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जिसमें फेरस सल्फेट है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है या हाइड्रोजन आयोडाइड है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, आपके पास वो कन्वर्ट हो जाता है फेरस सल्फेट के अंदर, साथ आपके पास क्या सल्फर और आयोडीन के अंदर आपके पास है हो जाते हैं। तो आप इक्वेशन देख सकते हैं, फेरस सल्फेट लिया, उसके बाद जो है वो आपके पास आपको नज़र आ रहा है, यानी फेरस सल्फेट लिया तो वो फेरिक सल्फेट के अंदर कन्वर्ट, फेरस सल्फेट लिया उसका रिएक्शन आपने किसके साथ जो है वो करवाया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपके पास क्या बना, मैंने आपको भी बताया फेरिक सल्फेट नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो आपके पास जो है वो बना, ठीक है। इसी तरह अगर आप नाइट्रिक एसिड का H2S के साथ जो है वो करवाएं तो आपके पास क्या होगा कि अब इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस कर देंगे, खुद को क्या कर लेंगे, ऑक्सीडाइज जो है वो आपके पास कर लेंगे। तो अगर ये रिएक्शंस, मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो रिएक्शंस हैं आप तब ही अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती हो, तो आप लोग बड़ी आसानी से जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं, काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि जिस तरह अब ये नाइट्रिक एसिड है H2S के साथ करें, अब इसमें आपको ये देखना होगा कि जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे कितनी है, -2 है, -2 से वो जीरो में जा रही है, और -2 से जीरो जाने का मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो दूसरी खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरी इसको क्या करेगा, रिड्यूस जो है वो आपके पास करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड की जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 से किस में जा रही है, +2 में जा रही है, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन जो है वो आपके पास किया है। तो इस हिसाब से इन रिएक्शंस को आप लोग जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहे हैं, वो है आपके पास एक्वारिजिया जो है वो आपके पास है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय एक्वारिजिया। तो क्या होता है कि अगर आप लोग 1 volume नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करें विथ 3 volume ऑफ कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो उसके रिजल्ट में बनने वाली चीज़ को आप एक्वारिजिया कहते हैं, और ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि इवन गोल्ड प्लैटिनम को भी क्या कर सकता है, अपने अंदर डिसॉल्व जो है वो आपके पास कर लेता है। यानी 1 volume नाइट्रिक एसिड, 3 volume आपके पास क्या कंसनट्रेटेड जो है वो HCl के आप लोगों ने डालने, उसके रिजल्ट में आपके पास NOCl बनता है, साथ आपके पास क्या बनता है, Cl2 बनता है, प्लस आपके पास क्या है, वाटर जो है वो आपके पास बनता है। अब आपके पास जो, जिसको हम लोग नाइट्रोसाइल क्लोराइड कहते हैं, जो बनता है वो नाइट्रोसाइल क्लोराइड इतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो खुद को कन्वर्ट कर लेता है, किसके अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, प्लस आपके पास क्या है, Cl2 के अंदर जो है वो कन्वर्ट जो है वो कर लेता है, ठीक है। अब इस अमल के दौरान जो क्लोरीन गैस लिब्रेट होती है वो आपकी जो मेटल्स हैं, जिसमें ज़रा गोल्ड है या प्लैटिनम है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स बना देते हैं, और उसके रिजल्ट में आपके पास क्या है कि जो क्लोराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर नहीं, वो सॉल्युबल है आपके पास, फॉर्म में आपके पास है। तो एक्वारिजिया, यानी अगर हमने गोल्ड या प्लैटिनम वगैरह को डिसॉल्व करवाना हो तो हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड लिया, 3 volume क्या लिया, HCl के लिया, उसके रिजल्ट में आपके पास क्या चीज़ बनी, क्लोरीन गैस
वाटर और नाइट्रोसाइल क्लोराइड। अब हमने ये पढ़ा कि जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड आपके पास होता है वो क्योंकि स्टेबल नहीं होता, वो खुद को नाइट्रिक ऑक्साइड और Cl2 के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। वो Cl2 इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, चाहे वो प्लैटिनम है चाहे वो गोल्ड है, उसके साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव क्लोराइड्स आपके पास जो है वो आपके पास बनाता है, दैट रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन जो है वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह वो आपके पास क्या कह रहे हैं कि जो लास्ट जो चीज़ आपके पास है वो ये है कि अगर आप लोग इस वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप, अगर वो रिएक्ट करें किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ आपके पास है, यानी जिस तरह बेंजीन है उसके साथ साथ आपके पास क्या है, मीथेन आपके पास है, तो इनके पास हाइड्रोजन है, तो वो ये कहते हैं कि हम एक हाइड्रोजन को या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को जो हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एज वेल एज द हाइड्रोजन, दिस मीथेन इज़ ऑल्सो हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कंटेनिंग कार्बन एज वेल एज अ हाइड्रोजन। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम बेंजीन का या आपके पास क्या है मीथेन का रिएक्शन किसके साथ करवाएं, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो जितने नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे उतना ही आपके पास क्या है रिप्लेसमेंट होगी। तो एक अगर हम बेंजीन का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसका एक हाइड्रोजन इसके OH के साथ रिएक्ट करके H2O बना देगा और बाकी जो आपके पास NO2 है वो मिलके नाइट्रोबेंजीन बना लेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग मीथेन लें और आप उसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें, HONO, मतलब इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में लिखते हैं इसलिए ताकि हमारे लिए समझना आसान हो, इसका एक हाइड्रोजन इसके OH के साथ मिलके पानी बना देगा, बाकी पीछे क्या बचा, CH3 NO2, यानी आपके पास दैट विल बी रिगार्डेड एज द नाइट्रोमीथेन जो है वो आपके पास होगा। इसी तरह आपका जो नाइट्रिक एसिड आपके पास है वो ग्लिसरीन, टॉलोइन और इवन फिनोल वगैरह के साथ जो है वो क्या कर सकता है, रिएक्ट आपके पास जो है वो कर सकता है और आपके पास डिफरेंट काइंड के एक्सप्लोसिव्स को बना सकता है, जिस तरह ट्राइनाइट्रोटोलोइन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, और वो ये कहते हैं कि जो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है उसको हम लोग नोबल ऑयल भी जो है वो कहते हैं। तो क्या करना है आप लोगों ने, आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द ग्लिसरॉल CH2OH, ये भी क्या है CH2OH, ये भी आपके पास क्या है CH2OH। ठीक है, रिएक्शन क्या है, तीन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या है मौजूद आपके पास है, ये भी एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ से भी क्या है एक हाइड्रोजन आपके पास है, तो क्या होगा आपके पास तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और बाकी जो है वो जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वहाँ वहाँ पे आपके पास क्या है NO2 ग्रुप जो है वो लग जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे भी NO2 लग गया, यहाँ पे भी NO2 लग गया और यहाँ पे भी आपके पास क्या है NO2 जो है वो आपके पास जो है वो लग गया, तो इसलिए हम लोग इसको ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो है वो कह रहे हैं। और अगर आपके पेपर में आए कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग देखिए ये आपके पास कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ टॉलोइन, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ फिनोल। आप ट्राइनाइट्रोटोलोइन ले लें या आपके पास फिनोल ले लें, आप उनका नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन करवाते हैं, ये वाले रिएक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, जब आप लोगों ने बेंजीन की रिएक्शन जो है वो आपके पास जो है वो पढ़े थे, तो ये इसकी नाइट्रेशन हो जाती है, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप आपके पास जो है वो लग जाएगा, इसको हम लोग ट्राइनाइट्रोटोलोइन जो है वो कहते हैं। इसी तरह अगर फिनोल लें और फिनोल का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, तीन जो है वो मोल्स नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उसके रिजल्ट में भी आपके पास जो है वो क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड जो है वो बन जाएगा, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप जो है वो लग जाएगा। ठीक है, और लास्ट पे वो हमारे पास क्या है कि अगर हम नाइट्रिक एसिड के यूजेस की बात करें तो ये क्लिबोटरी एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ वो ये कहते हैं ये बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स के लिए, और हम लोग जिस तरह ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है या ट्राइनाइट्रोटोलीन है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग इससे ऑर्गेनिक डाइज, वॉर्निशेज और आर्टिफिशियल सिल्क को भी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में हम लोगों ने इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया, हमारा मेन टॉपिक क्या था, नाइट्रिक एसिड, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा और उसके यूजेस को जो है हम लोगों ने डिस्कस कर किया।